क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी बड़ी कार्गो शिप को पार्क कैसे किया जाता होगा, क्योंकि इनमें तो ब्रेक भी नहीं होती कि अपने आप किनारे पर आकर रुक जाए। फिर इन्हें कैसे रोका जाता होगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले इन कार्गो शिप को ऐसा टेढ़ा खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद 2-3 टग बोट्स इसे धक्का लगाकर पार्किंग स्पॉट तक लाती हैं, जहां इसे हिलने ढुलने से रोकने के लिए मोटी मोटी रस्सियों से बांधा जाता है, जिसे मोरिंग लाइन भी कहते हैं। ये मोरिंग लाइन स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत वाले सिंथेटिक फाइबर की बनी होती हैं, जिनमें हर एक का वजन 4-4 क्विंटल होता है। इन कार्गो शिप को पार करने के मेनली 4 कारण होते हैं। पहला, लोडिंग अनलोडिंग करना, दूसरा फ्यूल भरना, तीसरा रिपेयर करना, और लास्ट कोई काम ना हो तब खड़ा कर देना।